अगर आपके मन में सिर्फ एक बात घूम रही है कि मैं YouTube पर एक ऐसा चैनल चाहता हूं, एक ऐसा चैनल आइडिया चाहता हूं जिस पर अगर मैं आज काम करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे चैनल से एक हफ्ते के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो जाए, एक ऐसा यूनिक चैनल चाहता हूं और जिसमें मुझे चेहरा ना दिखाना पड़े, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं तो मैं चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा कैमरे के सामने, क्योंकि चेहरा दिखाने से मुझे शर्माहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, तो मैं चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन हां, मुझे एक ऐसा यूनिक चैनल चाहिए जिस पर अगर मैं आज से काम करना स्टार्ट करूं, भले ही एक मैं नया यूट्यूबर हूं लेकिन आज से अगर मैं काम करना स्टार्ट करूं तो मेरा चैनल एक हफ्ते के अंदर ग्रो हो जाए YouTube से अच्छा खासा पैसा, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पैसा उसी हफ्ते से आना स्टार्ट हो जाए। अगर आपके दिमाग में यह है कि मुझे ऐसा चैनल आइडिया चाहिए और आज तक आपको ऐसा चैनल आइडिया नहीं मिला तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज जो मैं आपको चैनल आइडिया देने वाला हूं बिल्कुल यूनिक चैनल आइडिया है, इस पर अगर आप काम करोगे तो एक हफ्ते के अंदर ग्रो कर जाओगे। ये सिर्फ मैं मुजबानी बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी जिससे आपकी आंखें खुल जाए और आपको ये विश्वास हो जाए कि ऐसे भी चैनल्स हैं, ऐसे भी चैनल्स आइडिया हैं, ऐसे भी चैनल पर काम कर सकते हैं जो मुझे एक हफ्ते के अंदर ग्रो कर देगा। और एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, आपको अगर लगता है कि ये फालतू कराकर क्लिकबेट करवाता है या फिर फालतू में ही बताता है, आपको विश्वास अगर मेरे पर नहीं है तो वीडियो अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी। लंबी इसलिए होगी कि चैनल कौन सा है वो दिखाऊंगा, मोनेटाइज है उसका प्रूफ भी दूंगा, काम कैसे करना है, वीडियो कैसे बनाना है, सारा A to Z प्रोसेस आज के ही वीडियो में मैं बताकर जाऊंगा। इसलिए जिसको सीखना है वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्या चैनल कैटेगरी रहेगी, क्या चैनल की सेटिंग रहेगी, A to Z मैं बताकर जाऊंगा। इसलिए जिसको सीखना है और जो सच में सीरियस है कि मुझे भी एक हफ्ते के अंदर अपना चैनल ग्रो करके यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिसको मेरे पर विश्वास नहीं है, बस उसको लगता है ऐसे हवा हवाई में बातें हो रही हैं, भाई साहब अभी आप वीडियो छोड़िए और चले जाइए, अपना 12 से 15 मिनट बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि सारा कुछ मैं सिखाने वाला हूं तो मैं चाहता हूं सिर्फ उसको सिखाऊं जो मेरे पर विश्वास करता है, जिसको यह भरोसा है कि भाई जो बैठा हुआ है सामने मुझे सही बताएगा, A to Z चीजें मैं सीखूंगा और मुझे भी ऐसे एक चैनल एक बनाना है जो एक हफ्ते के अंदर ग्रो हो जाए, पैसे कमाने लगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, A to Z प्रोसेस बताकर जाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रह ही नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चेहरा भी नहीं दिखाना है, मोनेटाइज भी होता है, सब दिखाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर कैसे ग्रो हो रहा है वो भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बहुत धमाकेदार ये चैनल आइडिया होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको चैनल दिखा दूं, कैसे काम करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे वीडियो बनाओगे, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, A to Z बताकर जाऊंगा, जिससे आज ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप आज से ही काम करना स्टार्ट कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ मैं आपको बता देता हूं। उसके पहले, चैनल पर नए और मेरा वीडियो देखते हैं और यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए मेरा वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और A to Z प्रोसेस चैनल आइडिया के साथ मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, मैं यूट्यूब के अंदर हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दिखाने की आखिर वो कौन सा चैनल है जो यूनिक तरीके का कॉन्टेंट बनाकर यूट्यूब से एक हफ्ते के अंदर पैसे कमा रहा है और आप अभी तक बैठे हुए हैं, आपकी नजरों के सामने वो कॉन्टेंट नहीं आया, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अगर आपकी नजरों के सामने नहीं आया तो आपका भाई आपके लिए है, हमेशा ऐसे कॉन्टेंट बनाकर देगा आपको जिससे आप जल्दी से ग्रो कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब से पैसे कमा पाए। तो मैं यहां पर चलता हूं, यहां पर चैनल का नाम है सनातन, चैनल का नाम है सनातन सत्यलोक, उस चैनल का नाम है सनातन सत्यलोक, उस चैनल का नाम है सनातन सत्यलोक। पूरा समझ कर जाइएगा, पहले भागिएगा मत, हर कोई ये कंटेंट बना सकता है। मैं फिर से बता दूं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, सभी ये कंटेंट बना सकते हैं, कोई तामझाम का दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। 10 मिनट में आपका कंटेंट बनेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं सनातन सत्यलोक पर जाता हूं, आप देख सकते हैं 52,000 सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ 67 वीडियो, 67 वीडियो डालकर लॉन्ग के अंदर 52,000 सब्सक्राइबर कर लिए गए हैं। व्यूज कितना आ रहा है देखिए, यहां पर मैं पॉपुलर वीडियो में जाऊं तो देख सकते हैं, 2 हफ्ते पहले ही इनका चैनल अभी बनाया गया है, 3 महीने पहले, मैं आपको दिखा दूं अबाउट सेक्शन में इनका चैनल बनाया गया है 25 दिसंबर 2022 को, लेकिन काम करना स्टार्ट अभी 20 से 22 दिन पहले स्टार्ट किया गया है रेगुलर काम करना, और 20 दिन पहले इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं इनका मोस्ट वायरल वीडियो 2 हफ्ते पहले का है, यानी 1 हफ्ते में ही इनका चैनल ग्रो हो गया है,
कितना वायरल वीडियो है, 7,48,000 व्यू, 5,65,000, 2,54,000, 1,91,000, ऐसे ऐसे व्यूज लॉन्ग के अंदर आ रहे हैं। यहां पर मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि चैनल इनका मोनेटाइज भी है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि सर चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं, पहले देख भी लो। चलो मैं एक वीडियो यहां पर ओपन करता हूं आपके सामने, मैं यहां पर दिखाता हूं अभी एड्स आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर एड तो सबके वीडियो पर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा प्रूफ देख लो, चलो इसको मैं रोक देता हूं, यहां पर मैं वीडियो को रोक देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं वीडियो रोक दिया, नीचे आंख खोलकर देख लो, सुपर थैंक्स का बटन है। और सुपर थैंक्स का बटन किसके चैनल पर होता है, जिनका चैनल मोनेटाइज होता है वही एनेबल कर सकते हैं। तो सुपर थैंक्स का बटन है और ये चैनल एक हफ्ते के अंदर ग्रो हो गया, जो कि मैंने लाइव आपको दिखाया। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कितनी अर्निंग कर रहा है, उसको मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। पहले मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा दूं कि यह चैनल कॉन्टेंट कैसे बनाता है। चलिए देखिए, इसको मैं अभी एड्स चलने देता हूं, देखिए ये देखिए ओपन हो गया, देखिए सिर्फ वॉइस डाला गया है फिर से हमारे इस चैनल सनातन सत्यलोक पर। अब ये जो वॉइस है आपको पता होगा, ये जो वॉइस आ रही है ये गूगल जनरेटेड वॉइस है, रियल वॉइस नहीं है, गूगल जनरेटेड है, तब पर भी मोनेटाइज हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपना गूगल जनरेटेड वॉइस मत डालना, खुद का वॉइस डालना, बेकार हो चाहे अच्छा हो खुद का वॉइस डालना। अब देखिए क्या करते हैं, अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अब ये क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा बताते हैं, गाय माता को चुपचाप बस ये तीन चीजें खिला दो, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें ये इसलिए यहां पर लिखकर बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं यार आज मेरी राशि में होने क्या वाला है, आज अक्षय तृतीया है तो आज क्या कुछ शुभ चीज कर सकता हूं जिससे मेरे घर में बढ़ोतरी हो, पैसों की बढ़ोतरी हो। क्योंकि आपको पता है यार लोगों की थिंकिंग यही होती है कि ये सब चीजें करने से पैसे बढ़ेंगे। भाई कर्म करने से पैसे बढ़ते हैं, जो आप कर्म करते हैं उससे पैसे बढ़ते हैं, कहीं फूल चढ़ाने से पैसे नहीं बढ़ते हैं। भगवान के ऊपर भरोसा करो क्योंकि बिना उनके कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सबसे पहले भरोसा अपनी मेहनत पर करो। जब मेहनत नहीं करोगे तो कोई भगवान कोई इंसान कोई भी साथ नहीं देगा। तो यहां पर उसी टाइप का कंटेंट बनाया जाता है कि अक्षय तृतीया को क्या गाय को खिला दो, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज बृहस्पतिवार है, तो आज किस राशि का क्या होने वाला है, किस राशि के लिए अच्छा है, किस राशि के लिए बुरा है, ये टाइप का कंटेंट बनाया जाता है। और ये कंटेंट बनाकर बहुत अच्छा खासा व्यूज लाया जाता है क्योंकि देखने वाले भर भर के हैं इंडिया में। इसलिए आपको अगर कंटेंट ऐसा बनाना है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप बोलेंगे सर मुझे ज्योतिष का नॉलेज ही नहीं है, मैं वीडियो में क्या बोलूंगा कि यार कौन से राशि के लिए अच्छा है, कोई जरूरत ही नहीं है नॉलेज की, कहां से वो बोलना है आपको, मैं आपको दिखाऊंगा कहां से वो लेकर आपको बोलना है। और यहां वीडियो में सिर्फ आप देख सकते हैं एक थंबनेल टाइप का इमेज बनाकर उसी बार बार उसी को जूम करके दिखाया जा रहा है, कुछ लिखा भी नहीं गया। जैसे मैंने आपको हानिया वॉइस का बताया था, वहां पर जो जैसे जो भी स्टोरी टाइप का वीडियो होता था उसमें स्टोरी लिखकर आती थी और उसमें वॉइस डाला जाता था, लेकिन यहां स्टोरी भी नहीं डाली जा रही है, कुछ भी लिखकर नहीं आ रहा है, बस वही जो एक थंबनेल बना दिया गया है जो कि इस वीडियो का थंबनेल है, उसी थंबनेल को वीडियो में बार बार जूम करके दिखाया जा रहा है और उसमें वॉइस ओवर किया जा रहा है, क्योंकि लोग सुनने आए हैं कि भैया अक्षय तृतीया के दिन क्या कर दूं जिससे मेरा 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस कम ना हो। तो वही चीजें हैं और ये चीज इसलिए इन्होंने लिखा है जिससे लोगों के मन में क्लिकबेट हो कि यार 7 पीढ़ी तक पैसा नहीं कम होगा, क्या करना है, अक्षय तृतीया को लाओ मैं भी कर देता हूं। इसीलिए अब कैसे कॉन्टेंट मिलेगा, कहां से वॉइस ओवर करोगे, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना बस। अब पहले मैं आपको पैसे का प्रूफ दे दूं क्योंकि पैसा सभी देखना चाहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर इनकी अर्निंग को खोल के रखा हुआ है जिससे आप देखकर अपनी आंखें खोल पाओ। देखो सनातन सत्यलोक यही वो चैनल है, 51,700 सब्सक्राइबर है, 67 वीडियो डाला गया है। देखिए लास्ट 30 डेज में व्यूज कितना रहा है, 2.33 मिलियन, इतने व्यूज, 23 लाख व्यूज लॉन्ग के अंदर इनका आ रहा है। अभी एक नया चैनल है इसलिए नए चैनल पर इतना व्यूज आ रहा है, तो जैसे जैसे काम होगा सोचो कितना व्यूज आएगा। और अर्निंग देख लो आपके सामने है, मिनिमम 584 और मैक्सिमम $9,500। और मैं आपको बता दूं जो मिनिमम अर्निंग दिखाई जा रही है ये नहीं है, मिनिमम से कम मैं आपको बताता हूं, कम से कम मिनिमम से डबल अर्निंग होगी। मिनिमम से अगर डबल करोगे तो लगभग ये होते हैं $600, इसको समझ लो, इसका डबल करोगे तो $1,200। और $1,200 कितने होते हैं मैं आपको यहां पर लाइव दिखा देता हूं, यहां पर मैं आपको लाइव दिखाता हूं $INR, मैं $INR करता हूं, लाइव आपको दिखाता हूं। $1,200 की महीने की कमाई, $1,200 की महीने की कमाई कितनी होती है मैं आपको यहां पर लाइव दिखाता हूं, आपके सामने है ₹98,000, $1,200 यानी लगभग ₹1,00,000 महीने कमाए जा रहे हैं। अभी नया चैनल जो बनाया गया है एक हफ्ते के अंदर ग्रो करके उससे ₹1,00,000 महीने कमाए जा रहा है। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो वीडियो बस पूरा देखिएगा क्योंकि अब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप वीडियो बनाओगे कैसे, आपको कंटेंट मिलेगा कहां से, किस किस ऐप का यूज करके वीडियो बनाना है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो वीडियो बस लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये जुमलेबाजी आपको फर्जी लग रहा है तो वीडियो छोड़कर चले जाओ, जाओ कोई कॉमेडी वगैरह वीडियो देखो और हंसो, आपके बस की बात वही है। और अगर आपको मेरे पर विश्वास है और समझ में आ रहा है कि हाँ यार अब एक यूनिक चैनल आइडिया मुझे मिल चुका है जिस पर मैं रातों रात ग्रो कर सकता हूं, तो पूरा देखना, क्योंकि अब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि चीजें आपको मिलेंगी कहां से। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपको यहां पर जाना है गूगल के अंदर, गूगल के अंदर। अब आपके दिमाग में आता है सर बोलने वाली चीज कहां से मिलेगी, तो यार बोलने वाली चीज आपको कहां से चाहिए, जैसे मान चलिए आपको यहां पर आप जैसे ही लिखेंगे हस्तरेखा ज्ञान इन हिंदी, ठीक है, हस्तरेखा ज्ञान इन हिंदी, जैसे मैंने यहां पर लिखा हस्तरेखा ज्ञान इन हिंदी, देखिए हिंदी में सारा कुछ यहां पर लिखकर आ चुका है। अब यहां पर जो लिखकर आया हुआ है वो हाथ से रिलेटेड जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये जो जानकारी यहां पर लिखी गई है, ये जो हिंदी में लिखी गई है, यही पढ़कर वॉइस रिकॉर्ड कर दो बस, और जो फोटो बनाया गया था वो फोटो बनाकर वीडियो में लगा दो, आपके भी व्यूज आएंगे, क्योंकि हाथों में कौन सी रेखा है उससे मैं अमीर बनूंगा गरीब बनूंगा वो चीजें लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, तो वो पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, बस वैसे ही वीडियो बनाना है। कैसे बनाओगे, वीडियो में बोलने के लिए जो आपको वर्ड चाहिए ये वर्ड आपको गूगल क्रोम में यहां से मिल जाएंगे, सर्च मारोगे यहां से मिल जाएंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा, यहां से वो वर्ड ले लेना और पढ़ पढ़कर बस उसको दो मिनट चार मिनट बहुत बड़ा नहीं चार पांच मिनट का बोलकर बना देना बस, और वो फोटो जो दिखता है आपको थंबनेल में और वीडियो में जूम होता हुआ दिखता है वो फोटो कैसे बनाओगे वो मैं आपको चलिए लाइव यहां पर दिखाकर समझा देता हूं। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको फोटो वो सारा बनाना है जो आप थंबनेल पर भी लगा सकते हैं और थंबनेल पर लगाने के साथ साथ उसका वीडियो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको चार ऐप चाहिए जो कि ऊपर ही आपको दिख रहे हैं, इमेज सर्च फॉर मैन करके, मैं आपको उसका नाम दिखा देता हूं, सारे प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, इमेज सर्च फॉर मैन करके एक ऐप है, देखिए इमेज सर्च मैन करके है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, remove.bg बैकग्राउंड हटाने के लिए इसको इंस्टॉल कर लेना, पिक्सल लैब आपके पास होगा ही, काइंड मास्टर चाहिए या फिर कोई और आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज कर सकते हैं। अब बनाना कैसे है, इमेज सर्च वाले पर आपको चले जाना है, इमेज सर्च पर मैं चला गया हूं, इमेज सर्च पर जाने के बाद आपको कुछ फोटो डाउनलोड करने, क्या करने हैं, यहां पर आपको जाने के बाद सबसे पहले एक फोटो चाहिए, आपने देखा होगा पीछे एक पुराना टाइप के कागज का यहां पर इमेज था जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, तो यहां पर आपको ओल्ड पेपर बैकग्राउंड आपको सर्च मार लेना है, ओल्ड पेपर बैकग्राउंड मारोगे सर्च तो आपके सामने ये ऐसे ही फोटो सारे खुलकर आ जाएंगे, इसी फोटो में से आपको एक फोटो डाउनलोड करना है जिसका कि आप बनाओगे अपना थंबनेल और उसी थंबनेल को अपने वीडियो में भी यूज कर सकते हो। देखिए यहां पर सारे कुछ आ गए हैं, जैसे मुझे लग रहा है ये वाला, देखिए जैसे ये वाला है या फिर ये वाला है, जैसे देखिए ये वाला, ये मेरा एक ओल्ड पेपर का जैसे बैकग्राउंड यहां पर दिख रहा है HD में है, इसी को मुझे सिंपली डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो मेरा डाउनलोड हो गया, अब इसे डाउनलोड मैंने कर लिया है, ये डाउनलोड करने के बाद अब मुझे वो बनाना है थंबनेल, वो थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए मुझे एक और फोटो की जरूरत पड़ेगी, जैसे हस्तरेखा ज्ञान के बारे में बताओगे, राशि वालों के बारे में बताओगे तो आपको मान चलिए हस्तरेखा ज्ञान के बारे में बता रहे हो, जैसे आप देखे होंगे वीडियो पीपल के पेड़ के नीचे ये करो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा वीडियो देखा होगा, तो पीपल का पेड़ मान के चलिए आपको चाहिए, या फिर हाथ के बारे में बताने वाले हो तो यहां पर आपको सिंपली लिखना है पॉम स्केच हैंड, देखिए पॉम स्केच हैंड मैंने यहां पर लिखा, देखिए हथेली का बहुत सारा स्केच टाइप में फोटो आ गया है, जो भी फोटो आपको जैसे ये वाला फोटो दिख रहा है मुझे, ठीक है ये फोटो सही लग रहा है, तो मुझे ये क्या करना है, फोटो ये फोटो को सिंपली यहां पर मुझे जाकर डाउनलोड कर लेना है, ये फोटो मैं सिंपली इस पर डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड मैंने ये फोटो कर लिया, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड भी मुझे हटाना पड़ेगा तभी मैं उसको सही से यूज कर पाऊंगा, बैकग्राउंड हटाने के लिए सिंपली यहां पर चले जाना remove.bg जो दिख रहा है remove.bg पर चले जाना, जो मैंने फोटो डाउनलोड किया हाथ वाला जो मैंने आपको वो हाथ वाला फोटो जो मैंने डाउनलोड किया उसका आपको बैकग्राउंड हटाना है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा था, तो भाई बैकग्राउंड पहले से मेरा वो जो ओल्ड कागज वाला है वो है तो मुझे व्हाइट बैकग्राउंड की काम है नहीं, तो उसको मुझे हटाना है, हटाने के लिए क्या करना होगा, रिमूव बीजी ओपन करिए, यहां पर ओपन करने के बाद यहां पर जाओगे अपलोड इमेज पर जाकर वो फोटो सेलेक्ट कर लेना, ऐसे ही रिमूव करके बैकग्राउंड रिमूव करके आपके सामने आ जाएगा, इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना, मैंने यहां पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब कैसे आपको वो
पिक्सल लैब में जाकर कैसे थंबनेल बनाना है वो बता देता हूं, और उसी थंबनेल को वीडियो में लगा देना, बस एक ही जगह काम करने की जरूरत है, आपका थंबनेल और वीडियो दोनों रेडी हो जाएगा। कैसे बनाना है चलिए थंबनेल वाला सिस्टम मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर फोटो डाउनलोड करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, सारा कुछ बता दिया हूं। कैसे थंबनेल बनेगा वो समझिए, क्योंकि थंबनेल से ही वीडियो आपका बनने वाला है। तो यहां पिक्सल लैब में सिंपली यहां पर चले जाइए, पिक्सल लैब में आपको आ जाना है। पिक्सल लैब में आने के बाद यहां पर मैं कैंसिल करता हूं, यहां आ जाना है। इसके बाद यहां पर थ्री डॉट पर जाना है, इमेज साइज पर जाकर यहां पर कस्टम में जाकर यूट्यूब थंबनेल पर ओके कर लेना है। इसके बाद यहां पर जो न्यू टेस्ट लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं। हटाने के बाद मैं यहां प्लस वाले आइकॉन पर जाऊंगा, गैलरी में जाऊंगा, जो मैंने वो फोटो लिया था पेपर का ओल्ड बैकग्राउंड उसको लेना है। यहां पर मैं गैलरी में गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, देखिए ये वाला आ गया है। अब इस बैकग्राउंड को मैं यहां पर पूरा फिल कर लूंगा, देखो ये मैं इसको बैकग्राउंड को पूरा फिल कर लेता हूं। देखिए ये मैंने बैकग्राउंड यहां पर लगा दिया है। अब मैंने ये बैकग्राउंड लगा दिया है, अब मुझे वो थंबनेल बनाना है अट्रैक्टिव तरीके से। तो मैंने क्या किया था, हाथ वाला बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो मैं प्लस वाले पर जाकर वो हाथ वाला बैकग्राउंड ले लेता हूं फ्रॉम गैलरी में जाकर। वो जो मैंने रिमूव किया था ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये वाला मैं इसको ले लेता हूं। देखिए ये वाला जो मेरा फोटो है इसको मैं ओके कर लेता हूं। देखिए ये वाला फोटो मेरा यहां पर आ चुका है, देखिए ये वाला मेरा फोटो यहां पर आ चुका है, देखिए ये मेरा फोटो आ चुका है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा भाई मुझे और दिखाना है अट्रैक्टिव तरीके से, तो यहां पर मैं थोड़ा स्ट्रोक अगर लगा दूंगा, देखिए स्ट्रोक लगाते ही अगर मैं इसको ब्लैक स्ट्रोक लगा दूंगा ऐसे हो जाएगा, व्हाइट स्ट्रोक मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, देखिए ये मैं किया, देखो इसको स्ट्रोक को मैं 5 पर कर देता हूं, 6 पर, 4 पर, ठीक है। हाँ देखिए मैंने स्ट्रोक लगा दिया, हाथ का पंजा आ चुका है। अब यहां पर जैसे कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से थंबनेल के लिए लिखना है वो लिख दो। जैसे मैं प्लस वाले आइकन पर जाऊंगा, टेक्स्ट में जाऊंगा, और टेक्स्ट में जाकर मुझे जो भी लिखना है हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में नहीं। तो मैंने हिंदी में यहां ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं इसको यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं यहां पर हाथ से जानो, ठीक है, गर्मी ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी स्टूडियो का काम यार चल रहा है, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, तो वहां पर कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि वहां पर एसी वगैरह रहेगा, लेकिन तब तक चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक प्रॉब्लम हो रहा है हम झेल लेते हैं, क्योंकि यार मेन है हमको कॉन्टेंट बनाना, ठीक है। तो हाथ से जानो यहां पर मैंने यहां पर लिख लिया, और बैकग्राउंड में जाकर इसको मैं क्या करूंगा, ब्लैक कर लूंगा। हाथ से जानो ये मैंने लिखा, इसके बाद क्या था आगे का जो टेस्ट है उसको मैं अच्छे तरीके से लिखूंगा, हाथ से जानो, और इसके बाद क्या था, अपना भविष्य। हाथ से जानो अपना भविष्य, तो मैं अपना एक लाइन में करूंगा, भविष्य एक लाइन में करूंगा, ठीक है। इसको देखिए यहां पर करके यहां पर कर लेता हूं, यहां पर कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर कर लेता हूं, और ये वाला यहां पर हो गया, ठीक है। हाथ से जानो अपना भविष्य, इसको मैं करके यहां पर टेक्स्ट में जाकर ये मैं कर लेता हूं, और यहां पर जाने के बाद मैं कलर कर लेता हूं रेड, रेड बेस्ट रहेगा, तो मैं रेड कर लेता हूं, और इसके बाद टेक्स्ट में ये मैं कर लेता हूं। देखिए इसको मैंने कर लिया ये, हाथ से जानो अपना भविष्य, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि काफी छोटा लग रहा है, ठीक है। हाथ से जानो ये मैंने कर दिया, अपना भविष्य ये कर दिया, ठीक है। हाथ से जानो अपना भविष्य ये मैंने लिख दिया। अब लोग देखेंगे तो यार सोचेंगे हाथ तो यार सभी के पास है, अब मुझे अपना भविष्य जानना है, क्योंकि आपको पता है कि ज्योतिषी में विश्वास करने वाले काफी लोग होते हैं। ये आपने बना दिया, अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा पाम को नीचे कर देता हूं, देखिए हाथ से जानो अपना भविष्य, ये मेरा थंबनेल बन गया। इसको मैं जाकर सिंपली सेव एज इमेज पर जाकर यहां पर सिंपली इसको मैं सेव टू गैलरी में ऐसे में सेव कर लिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया, ये ऐड आता है एक आध दो बार, ऐड की कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि आपको पता है पिक्सल लैब फ्री है, तो भाई ये थोड़ा बहुत ऐड देगा अपने कमाने के लिए, ठीक है। मैंने ऐड हटा दिया, ये मेरा वीडियो का थंबनेल भी हो जाएगा। आपको बनाना है कि पीपल के पेड़ के नीचे पानी इस दिन डालने से आपका भविष्य बदलेगा, तो ये वाला भी कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट बोलने के लिए कहां से मिलेगा, गूगल से सर्च मार लो, या फिर सोमवार के दिन इस राशि वालों के साथ ऐसा होगा वो भी गूगल से सर्च मार लो कि आज का राशि का क्या अपडेट है। जिसका अच्छा है तो उसके लिए अच्छे के लिए बना दो, जिसका बुरा है आज का दिन उसके लिए बुरे का बना दो वीडियो। आपको बनाना है कि भैया जैसे आ नाम वाले, का नाम वाले, मा नाम वाले, सा नाम वाले, इन सब नाम वालों का जिसका नाम स्टार्ट होता है इस लेटर से, उनका भविष्य कैसे होने वाला है। लोग ये देखते हैं, मैं इसमें कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, लोग देखते हैं। तो आप बनाइए, कंटेंट बनाइए, आप दबाकर व्यूज आता है, तुरंत चैनल भी ग्रो होता है। गूगल से सर्च मारो कि यार जिसका नाम मां से है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, उसके बारे में सर्च मारो, बोलने के लिए आपको कॉन्टेंट आ जाएगा। सिंपली वॉइस ओवर करना है बस, यहां से ऐसे थंबनेल बना लेना, बा नाम से क्या होगा ऐसे ऐसे करके अपना यहां पर लिख लेना, बढ़िया से ऐसे थंबनेल बना लेना जैसे मैंने बताया, सेव कर लेना। सेव करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि वीडियो कैसे बनेगा, थंबनेल बनकर तैयार, अब इसी थंबनेल से वीडियो बनेगा, कैसे बनेगा वो बता देता हूं।
तो मैं यहां पर काइन मास्टर के अंदर आ चुका हूं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके आप यहां पर वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं प्लस आइकॉन पर जाऊंगा, 16:9 लॉन्ग का वीडियो बनाना है तो यहां मैं लॉन्ग वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां पर मैं बैकग्राउंड में जाकर बैकग्राउंड एक ऐसा ले लेता हूं ब्लैक रैंडमली, क्योंकि इसका यूज है। मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया। अब मैं जो वो फोटो था उसको मैं लेयर्स में लगाऊंगा, जो फोटो मैंने पिक्सल लैब पर बनाया था। तो लेयर्स में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा, पिक्सल लैब पर जाऊंगा। ये वाला फोटो जो मेरा है इसको मैं यहां से ले लेता हूं। देखिए ये वाला फोटो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मेरा फोटो है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूं, शायद ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ओके। तो ये मेरा हो गया फोटो, ये मेरा फोटो यहां पर हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं, ये क्या गया यार फालतू, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ये मैंने कर लिया और इसके बाद इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर जाने के बाद आपको एक कैची वाला आइकॉन दिख रहा है, स्प्लिट एज प्लेहेड करके दिखता है, स्प्लिट एज प्लेहेड, इसको इसको काट लेना है, ऐसे कट कर लेना। क्यों करना है कट मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पर आपको कट कर लेना है। अब जैसे ये वाला फोटो आया, ठीक है, इन एनिमेशन का, तो इसको मैं जाऊंगा ओवरऑल एनिमेशन में, जाऊंगा ओवरऑल एनिमेशन में, यहां पर मैं जाऊंगा तो इसको मैं थोड़ा सा फ्लोटिंग कर लेता हूं, देखो। और ये वाला जो है इन एनिमेशन, ये वाला इन एनिमेशन जो ओवरऑल एनिमेशन में जाऊंगा, इसको मैं थोड़ा, ये देखिए जिटर वाला कर लेता हूं, ये वाला, ये देखिए ये जिटर वाला कर लेता हूं, या फिर ड्रिफ्टिंग वाला कर लूंगा, देखिए ड्रिफ्टिंग वाला। इसको मैं जाऊंगा तो यहां पर ओवरऑल एनिमेशन में जाकर अलग अलग जो मेरा यहां पर दिया गया इफेक्ट उसको मैं लगा लूंगा। जैसे मेरा ये वाला है, जैसे ये वाला देखिए, एक यहां पर है रिंग वाला, ये देखिए ये रिंग वाला, इसको मैं लगा लूंगा, रिंग वाला भी लगा दूंगा। और यहां पर मैं ओवरऑल एनिमेशन में जाकर, जैसे और है मेरा ब्लिंक स्लो करके, देखिए ये वाला, ये ऐसे ऐसे करके आ रहा है, इसको भी लगा सकता हूं। वरना इसको अगर आप नहीं लगा सकते हो तो ये देखिए फ्लिकर वाला, इसको भी लगा सकते हो। एक पल्स करके आता है, इसको भी लगा सकते हो। तो आपको अलग अलग फोटो जो मैंने यहां पर स्प्लिट एज प्लेहेड किया उसमें अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए किया, ये आप डाल लेंगे, ये आपके वीडियो का बैकग्राउंड बन गया। आप सिंपली, आपको सिर्फ आवाज डालना है। आवाज कहां से डालना है, गूगल क्रोम में जो जो भी आपका टॉपिक है उसको सर्च मारो, जो मैंने आपको सर्च मार के दिखाया, सर्च मारो जो उसमें हिंदी में लिखा गया है। सिंपली माइक पकड़ो और वॉइस वाला जो नीचे लिखा गया है, वॉइस वाला, इस पर जाकर अपना रिकॉर्ड करना वॉइस शुरू कर दो। कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाथ की जो हमारी हथेलियां होती है वो हमारा भविष्य बताएंगी। कैसे बताएंगी, उसके लिए आपको कौन कौन सी रेखाएं देखनी पड़ती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सारा कुछ रिकॉर्ड कर लो। यहां पर नहीं रिकॉर्ड करना है तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर रहेगा, वहां से रिकॉर्ड करके अपना आवाज का एडिटिंग करना है तो कर लो, नहीं करना है तो वैसे ही लाकर आवाज यहां पर लगा दो। और बैकग्राउंड में आराम से कोई स्लो म्यूजिक लगा दो, आराम से डालोगे कि स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक, एनसीएस स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक, एनसीएस जरूर डालना है, नॉन कॉपीराइट, जिससे कॉपीराइट आपको ना आए, वरना आप लोग बोलोगे सर क्लेम आ गया, क्लेम आ गया। तो भाई यूट्यूब के अंदर जो एनसीएस म्यूजिक है, नॉन कॉपीराइटेड स्लो म्यूजिक, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना और उसको बैकग्राउंड में लगा देना, वॉइस रिकॉर्ड करके वॉइस अपना लगा देना। और इसके बाद जब अपना डाल लोगे तो ऐसा आपका वीडियो बनकर तैयार, ये जो आपका थंबनेल है वो हिलता हुआ कभी दिखेगा, आगे जाकर इफेक्ट चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए दूसरे तरीके से हिलने लगा, तीसरे तरीके से ऐसे चलने लगा आपको दिख रहा होगा। ये आपके वीडियो में वही सेम थंबनेल अलग अलग तरीके से दिखेगा, देखिए ब्लिंक होने लगा, ऐसे ऐसे करके दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में दिखाया वही एक फोटो बार बार दिख रहा था और सिर्फ आवाज आ रही थी। तो वो आवाज डालकर आप बोल लो और ऐसा ही अपना वीडियो में बैकग्राउंड रख दो, आपका वीडियो तैयार। अब चैनल कैटेगरी क्या रखें, सेटिंग्स क्या होंगी, वो चीजें समझ लो। आपको सारा कुछ समझा दिया हूं, वो चीजें समझ लो, इसके बाद आप आज से ही काम करना स्टार्ट कर दोगे। अब दोस्तों बात करें चैनल कैटेगरी के बारे में, तो आपको पता है कि ये जो चैनल है ये आपको कुछ एजुकेट करेगा, चाहे ज्योतिष से लेकर, चाहे आपके जो भी धर्म है शास्त्र है उनसे लेकर। तो आपको यहां पर जो कैटेगरी रखनी है, चैनल कैटेगरी एजुकेशन रखनी है, चैनल कैटेगरी एजुकेशन रखनी है। और जो यहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है, यस इट इज मेड फॉर किड, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड, तो नो वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये कोई बच्चों का कंटेंट नहीं है, तो नो इट इज नॉट मेड फॉर किड सेलेक्ट करना है। और उसके साथ ही यहां पर आपको वीडियो की लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करना है। तीन सेटिंग ध्यान देना, वीडियो लैंग्वेज हिंदी, क्योंकि आप हिंदी में बोलेंगे। दूसरा, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड वीडियो अपलोड करते टाइम। और तीसरा, चैनल कैटेगरी एजुकेशन, ये तीनों चीजें आपको डालना है। और डालकर कैसे काम करना है सारा कुछ समझा दिया हूं, बस काम करना स्टार्ट करो। कितना जल्दी चैनल ग्रो होता है लाइव दिखाया, एक हफ्ते के अंदर चैनल ग्रो करके कितना पैसा कमा रहा है लाइव दिखाया। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तब पर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, आपका भाई
आपको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो उसका आपको जवाब भी दूंगा। वैसे कोई डाउट होगा भी नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया है, तब पर भी कोई डाउट है और जेन्युइन डाउट होगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई करके आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दिल से तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हैं और कौन कौन इस चैनल पर काम करने वाला है, मुझे एक एक लोगों का रिप्लाई चाहिए कॉमेंट बॉक्स में, मैं अपना पिन कर दूंगा लिखकर कि कौन कौन काम करने वाला है, उस पर जाकर कॉमेंट करना सभी लोग जो दिल से काम करने के लिए तैयार हो कि सर मैं आज से ही काम करने वाला हूं, तो जाकर जरूर बताइएगा। और दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक अपने भाई के लिए कर दो, और चैनल पर नए हो और वीडियो देखना चाहते हो ऐसे जिससे यूट्यूब पर आगे बढ़ पाओ, डेली आपके लिए ऐसे ही रिसर्च करके एक एक कॉन्टेंट लेकर आता हूं, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो, चैनल पर नए हो और चैनल से नहीं जुड़े हो, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।